जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी रियलमी जी टी मास्टर एडिशन यूजर है उन सभी के लिए यहाँ पर एक जनवरी के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ एक अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। और उस अपडेट के अंदर काफी सारे यहाँ पर बग्स को फिक्स करा गया। उसी अपडेट के बारे में हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं, क्या कुछ आपको फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। तो अगर आप लोग एक रियलमी जी टी मास्टर एडिशन यूजर हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी हुआ कि हम लोग अभी तक रियलमी वाई 3.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट नहीं मिला है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बता दूंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और यहां पर रियलमी की न्यूज पाने के लिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो ये आपका रियलमी जीटी मास्टर एडिशन है, इसका जो बिल्ड नंबर यहां पर RMX 3360A.10 का ये अपडेट रिलीज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्ड नंबर है वो 8.10 का है। अपडेट का साइज भी बता दे रहा हूँ, 154 MB का अपडेट साइज देखने को मिल जाता है। फिलहाल मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाता है इस अपडेट का तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है स्क्रीनशॉट, मैं अगर मिलते ही आप सभी के साथ ये वीडियो के अंदर यहाँ पर शेयर कर दूंगा। बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो रियलमी जी टी मास्टर एडिशन यूजर है उन सभी के लिए जो ये अपडेट रिलीज हुआ है इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास है। तो खास बस यही है कि आपको यहाँ पर 1 जनवरी का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया, यानी जनवरी के महीने का है। 5 जनवरी मान लो चाहे 1 जनवरी मान लो है तो जनवरी का ही सिक्योरिटी पैच अपडेट इसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर काफी सारे बग्स को फिक्स करा गया है, जिसमें यहाँ पर ब्लूटूथ का जो बग है उसको फिक्स करा गया। यानी आप जब यहाँ पर किसी ब्लूटूथ डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट करते हो अपने डिवाइस के साथ तो उसमें कनेक्शन में इशू देखने को मिलता था, उस इशू को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ब्लूटूथ के अंदर है ना, यहाँ पर जो ऑडियो की जो क्वालिटी है वॉल्यूम जो है वो सही तरीके से यहाँ पर कभी कभार कनेक्ट नहीं था और वॉल्यूम सही तरीके से आपको सुनाई नहीं देती थी ब्लूटूथ वाले जो ईयरफोन वगैरह होते हैं उनके अंदर, तो उसको यहां पर फिक्स करा गया इस अपडेट के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि यहां पर कितने सारे जो बग्स थे ना उन सारे बग्स को यहां पर फिक्स करा गया। ऑप्टिमाइज्ड द फ्लुएंसी इसमें लिखा हुआ है, इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें लिखी हुई जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी यहां पर पढ़ सकते हैं। तो जो ये है ना अपडेट, इसके अंदर आपको क्या है कि आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, ब्लूटूथ वगैरह को यहाँ पर फिक्स करा गया है और यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको करा गया है और डिवाइस की जो इंप्रूवमेंट करी गई है इसके अंदर अपडेट के जरिए, और थोड़ी जो स्पीड है वो थोड़ी डिवाइस की बढ़ाई गई है यहाँ पर और ऑप्टिमाइज करा गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो है बस जो भी है बस इस अपडेट के अंदर आपको बस एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के रियलमी वालों ने कोशिश करी है, क्योंकि रियलमी वाई 3.0 एंड्रॉइड 12 तो अभी तक ये सही तरीके से दे ही नहीं पाए अपने रियलमी जी टी मास्टर एडिशन के लिए। अरे भैया, ये रियलमी जी टी मास्टर एडिशन रियलमी का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकने वाला डिवाइस बना है, क्योंकि रियलमी जी टी मास्टर एडिशन की बिक्री काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि इसको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में काफी सारे लोगों ने यहां पर खरीदा था। उस समय जो ये स्मार्टफोन की प्राइस 20-21 हज़ार रुपए में भी आपको सेल में मिल रही थी और काफी जबरदस्त ये स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो यहां पर रियलमी वालों को सुनना चाहिए था कि इसका रियलमी वाई 3.0 जो अपडेट है वो सभी यूजर्स को प्रोवाइड करे जल्द से जल्द। पहले तो इसका जो है दिसंबर में रिलीज हुआ था, 31 दिसंबर को मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी और फीचर वाली वीडियो भी बताई थी रियलमी जीटी मास्टर एडिशन की। अगर आपने चैनल के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मिल जाएगी आपको वीडियो। दूसरी चीज, यहां पर फिर 12 जनवरी को अपडेट रिलीज हुआ यहां पर रियलमी जीटी मास्टर एडिशन के लिए, और फिर उसके बाद यहां पर फरवरी के महीने में ये नॉर्मल सिक्योरिटी पैच अपडेट इन लोगों ने यहां पर रिलीज कर दिया। अब रही बात जो बाकी यूजर्स अर्ली एक्सेस का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको अपडेट अभी तक नहीं मिला, तो उन लोगों को अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो जितने भी रियलमी जीटी मास्टर एडिशन यूजर है तो वेट कर लो, यहां पर बताया जा रहा है कि जो मार्च का जो एंड है वो लगभग यहां पर आपको स्टेबल अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए रियलमी वालों का भी कहना है कि यहां पर एक टाइम लग जाता है स्टेबल टेस्टिंग करते करते, यहां पर 2 से 3 मंथ का वेट करना पड़ जाता है यूजर्स को, तो 2 से 3 मंथ तो आप लोग यहां पर वेट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग वेट करिए, यहां पर मार्च के एंड तक जो है बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा यहां पर चांसेस है कि आपके यहां पर रियलमी जेटी मास्टर एडिशन के लिए जो है ना रियलमी वाई 3.0 और एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो स्टेबल वाला रिलीज कर दिया जाएगा। उससे पहले ये आपको सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है वो रिलीज हुआ है, 154 MB का 8.10 बिल्ड नंबर है। ये सिर्फ जो अपडेट है ना 8.10 वाला, ये सिर्फ रियलमी वाई 2.0 जिनके डिवाइस में चल रहा है रियलमी जेटी मास्टर एडिशन में उन्हीं लोगों को मिला है, जिनके डिवाइस में रियलमी वाई 3.0 चल रहा है उनके डिवाइस में ये अपडेट रिलीज नहीं हुआ, ये बात और आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो अगर आप लोग डिवाइस में यहां पर रियलमी वाई 2.0 चल रहा है तो अपने डिवाइस में चेकआउट कर लो, आपके डिवाइस में ओटीए के जरिए अपडेट मिल रहा है, और आपको नहीं मिला तो कुछ दिनों में अपडेट मिल जाएगा, अपने डिवाइस में यहाँ पर चेकआउट करते रहना। 154 MB का ही बस ये अपडेट साइज है। तो बस दोस्तों इतना था आज के इस वीडियो के अंदर, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर रियलमी की न्यूज खातिर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।